वन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अशफाक उर्फ कल्लू ग्राम ताजपुर कोडरा का रहने वाला है। अशफाक उर्फ कल्लू को आए दिन हर महीने नाजायज बिना किसी गलती के औद्योगिक क्षेत्र चौकी पूरे काशीनाथ थाना कैंट के जो भी चौकी इंचार्ज आते हैं अशफाक को परेशान करते हैं, फोन करके अपनी चौकी पर बुलाते हैं एवं धमकाते भी हैं। ये इसलिए हो रहा है कि पहले इस चौकी के इंचार्ज विवेक राय थे, जिनसे इनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। विवेक राय से मामला इसलिए चल रहा है कि बच्चों की लड़ाई में 50,000 की मांग किए थे। अशफाक उर्फ कल्लू ने 6,000 दिए थे, पूरा 50,000 ना देने के कारण अशफाक उर्फ कल्लू के ऊपर मुकदमा भी लिख दिया गया, जिसकी सूचना कल्लू ने उच्च अधिकारियों के यहाँ भी दी और पेपर अखबार चैनल पर भी गजट कराया। चौकी इंचार्ज विवेक राय शहादत गंज चौकी पर चौकी इंचार्ज हैं, जो कि औद्योगिक क्षेत्र चौकी पूरे काशीनाथ थाना कैंट पर आता है। अब वही चौकी इंचार्ज आए दिन बिना कोई वजह से बिना कोई कसूर के अशफाक कल्लू को प्रताड़ित करता है। कल्लू का कहना है कि अगर मैं गलत हूं तो जांच और विवेचना की जाए, नहीं तो आए दिन नाजायज परेशान करते रहेंगे। इसके पहले इस चौकी के इंचार्ज राजेश मिश्रा थे, इन्हीं सब कारणों से वो यहाँ से हटा दिए गए। अब कल दिनांक 23 अगस्त 2021 को दोपहर में 3 फोन 9415998499 से आया और चौकी पर बुलाया गया। फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। कल्लू का कहना है कि इनकी जान माल की हिफाजत की जाए, सही कार्रवाई की जाए कि हमारी सरकार को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। भाजपा सरकार में घूसखोरी नहीं चल पा रही है, इन्हीं सब की वजह से हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार से गुहार है कि इसकी सही तरीके से जांच की जाए और जो दोषी हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। परेशान किया जाता है, किस लिए करा जाता है? सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं कि सरकार बदनाम हो जाए, दोबारा सरकार न बने बीजेपी की। बीजेपी से एलर्जी है इन लोग की, वो मनमानी चल नहीं रही है। हर कोई से घूस खाते थे, छीनते थे, मारते थे, डकैती डालते थे, खुद ही गाड़ी हमारी खुद छीन के ले गए। चलान दिखाए कि चलान किए, वो भी हमारे नाम से। गाड़ी हमारे हस्बैंड चला रहा था, बोल रहे हैं अख्तरीबानों के नाम से चलान हुआ, लाइसेंस है। गाड़ी लेने गए थाने पे, दर वहाँ भी बोले यही। ऐसा किस लिए हो रहा है आप लोगों के साथ? ऐसा किस लिए हो रहा है? विवेक राय, हमारे बच्चों में लड़ाई हुई थी, उन्हें पैसा मांगे थे, उनको पैसा नहीं मिला, इसलिए वो कर रहे हैं। विवेक राय, हमारा मामला सर ऐसा है कि वो विवेक राय चौकी इंचार्ज औद्योगिक क्षेत्र थे, उनसे मामला लेन देन के मामले में, मुकदमे के मामले में 6,000 दिए थे भी, उसके बाद 50,000 मांग रहे थे। किस मामले में? एक झगड़ा हुआ था गांव में बच्चे में, तो उसी में नाम निकालने के मामले में हो रहा था, फर्जी मुकदमा करा रहा था वो, गोश्त मछली खवा का चिकवा है। तो उसके बाद जो 6,000 रुपये दिए, 50,000 और मांग रहे थे कि सब खत्म कर देंगे, हम पैसा नहीं दे पाए, तो हमारा नाम मुकदमे कर दिए, लिख दिए। उसके बाद उसमें हमने लिखा पढ़ी, हमने रजिस्ट्री किया, कप्तान साहब डीजीपी सब कहीं प्रताड़ित किया गया हमको, तो हमने सब कहीं बताया, पेपर में भी निकलवाया उनके खिलाफ। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद राजेश मिश्रा आए, वो प्रताड़ित किए, हमको मारे पीटे, हमारी बाइक उठा ले गए, नई गाड़ी थी उसका दोनों चक्का खोल लिए, और उसके बाद हमारे हमको प्रताड़ित कर रहे थे। हमारी गाड़ी 3-4 तारीख को चलान दिखाए हैं, कोर्ट से गाड़ी रिलीज हुई 21 दिन बाद हमारी, 21 तारीख को। उसके बाद इससे मामला चलता रहा। उसके बाद एक धर्मेंद्र कुमार गुप्ता आए हुए हैं, विवेक राय के सहारे थे, वो भी प्रताड़ित कर रहे हैं हमको फर्जी मुकदमे में। किस लिए? कोशिश कर रहे हैं, अब विवेक राय कहने पर ऐसा कर रहे हैं, फर्जी दरखास्त क्या बना के क्या कर रहे हैं, वो धमकियाते हैं, सिपाही भेजते हैं। कब आपको धमकाया गया? हमको कल भी धमकाया गया, 3-4 दिन से लोगों से खबर देते हैं, सबसे बताते हैं कहाँ मिलेगा, कैसे करके जगह है, इस तरीके से हमको न्यूज मिल रही है। हम गांव घर छोड़े हुए हैं, हमारे बच्चे सब परेशान हैं, हमारे गाड़ी है, बिलोरो है, ट्रैक्टर है, कुछ कसूर हूँ, और सरकार से हमारी ये गुहार है कि हमारे साथ न्याय किया जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 21 के साथ।